सड़क ते मुद्दी हुई यह रेड़ी अते सड़क दे किनारे ते खिल रहियां यह कुल्फियां कोई एक्सीडेंट दे नाल नहीं सगो इस आइसक्रीम वाले गरीब बंदे दे नाल लुट खो हुई है। दस दिए कि पहला तां बाइक दे उत्ते सवार होके तीनों लुटेरे इस आइसक्रीम वाले कोल आउंदे ने, 20 रुपए दे के दो आइसक्रीम खाई जांदियां ने। फिर इस तों बाद दे विच इह आइसक्रीम वाला एक नाल दे बंदे नूं 5 रुपए दी कुल्फी फ्री दे दिंदा। हालांकि जिथे आइसक्रीम वाले ने अपनी दरिया दिली दिखाई उत्थे ही लुट दी नीयत दे नाल आए तिन्ना ही बदमाशां ने आइसक्रीम वाले दे नाल लुट खो कीती, जिस तों बाद उसकी जेब चों 4800 रुपए लुट के फरार हो गए। हालांकि बाइक सवार बदमाश जदों भज्जण लगे तां आइसक्रीम वालिआं ने विरोध कीता अते विरोध नूं देखदे होए बाइक उत्थे ही छड्ड के लुटेरे फरार हो गए, पर 4800 रुपया आइसक्रीम वाले तों जरूर लुट लिया, जिस दे कारण हुण आइसक्रीम दी रेहड़ी वी जांदे जांदे उन्हां ने पलटा दित्ती अते रेहड़ी दे विच पईआं कुल्फियां वी सड़क ते खिलरियां नज़र आईआं, जिस दे कारण आइसक्रीम वाले दा इक वड्डा नुकसान हो गया। तो खबर यमुनानगर तो सामने आई है जिथे कि एक आइसक्रीम वेचण वाले गरीब बंदे दे नाल लुट खो हुई है। आइसक्रीम खाण वाले आए तीन बदमाशां ने पहला तो 20 रुपए दे विच दो आइसक्रीम लईआ, हालांकि तीन व्यक्ति सी, एक व्यक्ति नूं आइसक्रीम वाले ने खुद ही 5 रुपए की आइसक्रीम फ्री दे दित्ती, जिस तों बाद उह जांदे जांदे आइसक्रीम वाले दे नाल उन्हां ने लुट खो की कोशिश की अते उसकी जेब च पए 4800 रुपए खो के फरार हो गए। पर जदों आइसक्रीम वाले ने इस गल का विरोध किया तो भजदे समय जो लुटेरे से अपना बाइक उत्थे ही छड्ड के फरार हो गए ने। मैं यहाँ से अपने डेरे पे जा रहा था, यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल से तीन बंदे थे, वो तीन बंदे गाड़ी रोके बोले आइसक्रीम खिलाओ, 20 रुपये मेरे को दिए आइसक्रीम के लिए, दो उसको 20 रुपया के दो चॉकलेट दिया, एक बंदा ऐसे रह गया था, मैं 5 रुपये वाला कुल्फी ऐसे खिला दिया, कहा चलो कोई बात नहीं है। जैसे गाड़ी पर मैं बैठा वैसे वो पीछे से मेरा गला दाब दिया, गला दाब के मेरा सेल जो था वही 4,4800 रुपये था, उतने रुपये लेके मेरा खोस के गया है। जब गला दाबा मेरे साथ जो अगला बंदा था वो बंदा सुआ और ढक्कन लेके दौड़ा है, जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट किया है उसका चाबी और मोटरसाइकिल छीना गया है। ठीक है, कितने लोग थे? तीन लोग थे। तो क्या कितनी उम्र के थे? उम्र के थे लमसम एक लमसम 30-35 के रेंज में थे सर। क्या नशे में थे? नशे नुशे में कुछ नहीं थे। तो क्या लग रहा है लूटने का प्रयास किया? हाँ, मेरा जब पीछे से गला दावा तो लूटने का ही प्रयास है। कितने पैसे छीन कर? वही 4,4800 रुपये सेल थे सर। तो पकड़े नहीं गए? पकड़े नहीं गए, उसके जब पकड़ने के लिए जब सोचा हूँ तो मोटरसाइकिल छोड़ के वो भागा है, जिसका मोटरसाइकिल सामने लगी हुई है, साइकिल भी तोड़ दी, साइकिल भी पलटी मारा है। ठीक है, सामने लगी हुई है, सारा जो है सामने है, इसमें कोई कहने के या झूठ बोलने की तो कोई सवाल नहीं है। तो क्या लग रहा है इस तरीके से रात रात भी रात हम लोग बाहर में आके काम नहीं कर सकते हैं? क्यों करेंगे, जब ये दूसरा बार मेरे साथ हुआ है, पिछले बार खारवन से निकले तो इनके साथ हुआ था, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, फिर किस तरह से हम लोग आप लोग के गांव में काम करेंगे? डायल 112 नंबर पर हमारे पास मैसेज आया कि खारवन रोड पर यहाँ पर छीना छपटी करके भाग गए, तो हम यहाँ पर अभी आए हैं, हमने SHO सदर को फ़ोन कर दिया, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज रहे हैं, वो आने वाले हैं। तो क्या सर ये आइसक्रीम की जो इनका ठेला था वो पलटा हुआ था जिस समय आप पहुँचे? हाँ, जब हम पहुँचे तो ठेला साइड में था। तो क्या कहना है शिकायत करता है, क्या हुआ उनके साथ? शिकायत करता बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर दो बाइक आड़े आए, हमको रोका और हमारे साथ पकड़ कर हमारी जेब से पैसे निकाल कर भाग गए। तो क्या कोई मोटरसाइकिल वगैरह भी? हाँ, ये मोटरसाइकिल है यहीं पर खड़ी है मौके पर, वो मोटरसाइकिल छोड़ कर चले गए, भाग गए।